नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीएससी के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म जल्द ही आने वाला है, इसी मंथ में आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ जाइए। टीम परीक्षा प्लस प्री कम्स मेंस, यूपीपीसीएस का प्री कम्स मेंस जो है ये बैच स्टार्ट हो गया है। ये एक हाइब्रिड बोर्ड में आपका बैच चलाया जाएगा जिसमें आपको प्री भी पढ़ाया जाएगा और मेंस भी कंसीडर करके आपका चलाया जाएगा। जैसे हिंदी के पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन सब के अभ्यास आपके डेली बेसिस पर कराया जाएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस टीम से जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां कोर्सेज में जाइए और यूपीपीसीएस प्री कम्स मेंस वाला जो बैच है उसे आप परचेज कर लीजिए। तो यहां पे मैं बात करूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। इस बार कई बहुत बड़ा बदलाव भी है, एक तरह से बोला जाए शैक्षिक आहार्ता में। आरओ और एआरओ के लिए क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, दोनों की अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में कितना डिफरेंसेस है, कितनी इनहैंड आपको सैलरी मिलेगी, एज क्या है आपका, इसके बारे में आज मैं डिस्कस कर दूंगा। तो जो लोग ये आहार्ता रखते हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, अच्छी पोस्ट आ रही है। तो इसी मंथ में उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन आपको आयोग के द्वारा मिल जाएगा। तो कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। उसमें सबसे पहली बात आती है कि आरओ के लिए जो समीक्षा अधिकारी का पद निकलता है यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी के द्वारा जो आरओ का पोस्ट होता है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आप स्नातक होने चाहिए। इसके अलावा कुछ कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, आपका एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन आपका बस कंप्लीट हो। किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, बस आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन मस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन कितने भी मार्क्स से 33% मार्क्स से अगर आप पास हो तो बस यही एलिजिबिलिटी है यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए। जिसकी सैलरी बच्चों कहें तो सैलरी ऑलमोस्ट आपको 72 से लेकर 73 के बनती है, मतलब आपका एक तरह से बात किया जाए, और इन हैंड आपको 60K तक तो मिलेगी ही मिलेगी। ये आपके 4800 ग्रेड पे, अगर इसकी ग्रेड पे की बात करें तो ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ये ध्यान रखिएगा, पे लेवल 8 की ये जॉब है, बहुत ही बेहतरीन। और इसकी पोस्टिंग आपको सचिवालय में जो लखनऊ में है यहां पर आपको मिलेगी। तो यहां ध्यान रखिएगा, जिनको भी तैयारी करना है वो टीम के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है, उनसे जुड़ सकते हैं परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके। अगर हम बात करें इसमें कि एज क्राइटेरिया क्या होती है, तो एज जो क्राइटेरिया होती है आपको एज क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो 21 से लेकर 40 साल की उम्र होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है, जो रिलैक्सेशन है वो तो आपको मिलेगा, जो ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं इन सभी के लिए 5 साल का आपका एज का रिलैक्सेशन है। बाकी विकलांग के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया है, बाकियों के लिए होता है वो भी आप देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जो 5 साल अपना कर चुके हैं उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं आरओ का, एक जो जनरल पोस्ट होता है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए। कुछ आरओ में जैसे आरओ समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, इनके लिए आपकी क्या शैक्षिक आहार्ता चाहिए वो आप यहां से ध्यान से जल्दी से देख लो कि इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिर मैं एआरओ के लिए बताऊंगा। अभी जो समीक्षा अधिकारी लेखा मतलब अकाउंट के लिए क्या चाहिए, अकाउंट वालों के लिए जो समीक्षा अधिकारी बनेगा, खासकर अकाउंट और कोई नहीं, अकाउंट के लिए क्या होगा कि आपका स्नातक तो चाहिए, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ क्या चाहिए, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल चाहिए या ओ लेवल के समकक्ष चाहिए। क्या चाहिए, समकक्ष, शासनादेश गवर्नमेंट का आ चुका है तो उसके समकक्ष भी चलेगा, ओ लेवल के समकक्ष। तो मैं बता दूंगा कौन कौन सी डिग्री जो है समकक्ष है। कुछ बच्चे पूछते हैं ट्रिपल सी ओ लेवल
के समकक्ष है, डीसीए एडीसीए है कि नहीं है, वो सब डाउट आज क्लियर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को अपने छोटे भाइयों को शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, बस यही मांगा है। ऐसे कभी भी आरओ में समीक्षा अधिकारी में ओ लेवल नहीं मांगता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी अकाउंट में ओ लेवल मांगता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशल पोस्ट जो होती उनमें मांगता है। समीक्षा अधिकारी हिंदी की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश सचिवालय में, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित। यहां देखो जो स्नातक होगा वह किसमें होना चाहिए, वाणिज्य में होना चाहिए, ठीक है। वाणिज्य में कॉमर्स वाले ही इसको भर सकते हैं, कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन हो और ओ लेवल हो तभी आप अकाउंट के समीक्षा अधिकारी बन सकते हो। और हिंदी के समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय में होते हैं उनको क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष छाप, अगर हिंदी से ग्रेजुएट है या उस संस्कृत से ग्रेजुएट है तो अब आप हिंदी के समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, हिंदी के समीक्षा अधिकारी में कोई ओ लेवल की जरूरत नहीं है, लेकिन समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए क्या चाहिए, यह भी सचिवालय में पोस्टिंग इसकी होती है उत्तर प्रदेश के। यहां पर अरबी साहित्य हो, प्रशियन साहित्य हो, उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अगर आपकी है या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता है तभी भी आप मान्य होंगे, यह ध्यान रखिएगा। परंतु यह है कि ऐसे मामले जहां पर अभ्यर्थी जामिया उर्दू अलीगढ़ की आदि में कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो वो उर्दू साहित्य या पर्शियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा ना होगा, मतलब उनके लिए वो कंसीडर किया जाएगा जो जामिया उर्दू अलीगढ़ की आदिब ए कामिल की परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, अब एआरओ के लिए क्या चाहिए, देखो एआरओ आपकी जो है वो आपका एआरओ जो है एआरओ के लिए आपका क्या चाहिए, 4600 ग्रेड पे की जॉब है बच्चों, ये ऑलमोस्ट इसमें आपकी जो सैलरी 65K के अप्रोक्स बनेगी, ठीक है, 62 से 65K, ये ध्यान रखिएगा। इन हैंड आपको 62-64K के अप्रोक्स मिलेगा, 62 आपको इन हैंड मिलेगा, 65K अप्रोक्स आपका बनेगा, ये आपकी सैलरी होगी। अगर हम बात करें कि इसका एजुकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन एआरओ के लिए जो आपको जनरल एआरओ के लिए, जनरल सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आपको ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट चाहिए, समकक्ष चाहिए। समकक्ष में मैं बता दूंगा कौन कौन सी अर्हता चाहिए। और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग आपकी किस में आनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो यह सब चीजें मैं आपको बता दूं, तो वही बोल रहा है बाकी है, जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का है, ठीक है, जनरली जो और भी जगह सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं सचिवालय में और के लिए होते हैं तो उनके लिए बस यही चाहिए, ग्रेजुएशन और ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट, और आपकी टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की, यह ध्यान रखिएगा। अब यहां जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का है, अकाउंट का एआरओ है, उसके लिए यह सचिवालय में होगा और लोक सेवा आयोग जो है बना उनमें ये दोनों की पोस्टिंग होती है। तो ये देख लो इसमें क्या होगा, वाणिज्य में स्नातक होगा, ठीक है, उसके समकक्ष और ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय लेखाकार में साहित्य वाणिज्य में स्नातक उपाधि, ये सचिवालय के लिए चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह चीज चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सब में जो एक सहायक समीक्षा अधिकारी होता है उसके लिए आपका, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय राजस्व और कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जो सहायक समीक्षा होगा, किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई भी अर्हता, समझ गए। बाकी किसी भी एआरओ के लिए बस स्नातक चाहिए और डीओईसी डोएक से सोसाइटी द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष अर्हता चाहिए, यह समझ में आ गया। उसके बाद हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 25 मिनट की गति होनी चाहिए हिंदी टंकण परीक्षा में। अंग्रेजी टंकण का अगर ज्ञान है आपको तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिनका चयन होता है सहायक समीक्षा अधिकारी पर
उनके लिए क्या चाहिए, आपका स्नातक चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, वो मान्य होगा या उसके समकक्ष। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड चाहिए, और डोएक या उसके समकक्ष ओ लेवल के समकक्ष जो है आपका प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी टंकण आपको अगर आती है तो आप इसके लिए क्या होंगे, मान्य होंगे, मतलब प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको दी गई हैं कि एआरओ सचिवालय के लिए और राज्य परिषद और कार्यालय के लिए क्या चाहिए, और लोक सेवा आयोग के लिए क्या चाहिए। तो दोनों में देख लो, कुछ नहीं, यहां पर साफ साफ बोला द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई आहर्ता हो, या डोएक से आपका ओ लेवल या समकक्ष हो, और हिंदी टंकर में आपका ये चाहिए, वैसे ही आपका यहां पर भी चीजें मांगी गई है। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी में ग्रेजुएशन आपका बस होना चाहिए, बस अकाउंट के लिए ओ लेवल चाहिए समीक्षा के लिए, और सहायक समीक्षा के लिए आप किसी भी पद के लिए आप भर रहे हो तो आपका क्या होगा, सहायक समीक्षा में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो जनरल पोस्ट के लिए होता है, और आपका डोएक से ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट ओ लेवल होना चाहिए, और आपकी हिंदी में टंकड़ में स्पीड 25 वर्ड की होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है। और रही बात कि अब समकक्ष क्या होगा, ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन सी डिग्री होती है, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट एआरओ के लिए, एआरओ के पोस्ट अच्छे खासे होते हैं और कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो ये एआरओ के लिए इक्विवेलेंट ओ लेवल कौन कौन से होंगे, क्या ट्रिपल सी वाले चल जाएंगे, ट्रिपल सी ओ लेवल के इक्विवेलेंट नहीं होता है, हाँ डीसीए एडीसीए वाले चलेंगे, हाँ एडीसीए डीसीए वाले दौड़ेंगे, ये ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो शासनादेश गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था, तो कौन कौन से ओ लेवल के इक्विवेलेंट होंगे देख लीजिए, कौन कौन सी, यहां पे डीओएपी, यहां बोला ना केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटीसी नीलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था हो या कोई निजी संस्था हो से 10 से 12 के उपरांत आपने अगर कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, बोला ना सरकारी संस्था और निजी दोनों चलेगा, तो ये डाउट क्लियर हो गया, प्राइवेट से भी आपने किया है और उसको मान्यता प्राप्त है किसी भी बोर्ड से, किसी विश्वविद्यालय से या यूजीसी से या नीलेट के द्वारा ना, इन्हीं में से अगर किसी भी सरकारी या निजी संस्था को इनसे अगर मान्यता प्राप्त है तो वो चीजें आपका जो डिप्लोमा होगा जो भी चीजें होंगी वो चलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो डीओएपी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन भी चलेगा, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट चलेगा, एडीसी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर चलेगा, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है, और एडीसीएस एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर चलेगा, एडीसीपी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चलेगा, डीसीए देखो यहां आया ना काफी बच्चे किए रहते हैं, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी चलेगा, डीसीएफई कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चलेगा, डीसीएस चलेगा, कंप्यूटर स्किल चलेगा, जितने यहां पर दिए गए हैं ओवरऑल आपको एक कई कितने हैं टोटल 28 हैं, ठीक है, टोटल 28 ऐसी डिग्रियां हैं जो उसके समकक्ष दी गई हैं कंप्यूटर के ओ लेवल के समकक्ष, ओ लेवल के समकक्ष ये क्या है 28 डिग्रियां दी गई हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है अगर केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटीसी या नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से अगर 10वीं या 12वीं के बाद आपने कम से कम एक वर्ष का पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तभी भी आप एलिजिबल होंगे, यूपी डेस्को से एक वर्ष का डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तभी आप एलिजिबल होंगे, स्नातक स्तर पर अगर आपने एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, मतलब आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक साल आपने अगर स्नातक में पढ़ा है तभी आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट होंगे, अगर बीएससी आपने आईटी से किया है, एमसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है कंप्यूटर कोर्स, या बीसीए है या एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एक विषय के रूप में आपने कम से कम किसी एक वर्ष में पढ़ा है तो आप एलिजिबल होंगे। तो यहां साफ साफ बीटेक
बीटेक कोई भी ब्रांच अगर आपका है तो वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट है अगर उन्होंने एक साल तक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है तो। केंद्र राज्य सरकार के विश्वविद्यालय एनआईसीटी और नीलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत आपने कम से कम एक वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है हाई स्कूल के बाद भी, तभी भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन वो संस्था चाहे सरकारी या निजी हो, वो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी या एआईसीटीसी या नीलेट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड विश्वविद्यालय एआईसीटीसी या नीलेट डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ठीक है, ये जो चलाया गया था, मैं कंप्यूटर में अगर एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया है तो आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। आईटीआई से अगर आप 52 सप्ताह का कोपा किए हैं तभी भी आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। और केंद्र राज्य सरकार किसी विश्वविद्यालय से आप एआईसीटीसी नीलेट डोएक से मान्यता प्राप्त कोई सरकारी या निजी संस्था में 3 वर्षीय अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किया है, मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, बाकी और ब्रांच नहीं, वो ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे, ठीक है। अतः ठीक है, ये सभी आपके क्या है, ओ लेवल के समकक्ष हैं। ये नए जो शासनादेश था उसके अकॉर्डिंग अब जहां जहां ओ लेवल मांगेगा उसके समकक्ष ये माने जाएंगे। बस ट्रिपल सी वाले समकक्ष नहीं है, बीटेक ऑल ब्रांच अलाउ है, पॉलिटेक्निक में बस कंप्यूटर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलाउ है। और जो आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर के बाद कोई एक साल का कंप्यूटर का कोर्स किया है जिसे किसी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, नीलेट से प्राप्त है या एआईसीटीसी से प्राप्त है, तो वो मान्य होगा। एडीसीए, डीसीए और जितने भी इसमें कोर्स दिए गए हैं, आप लोग शासनादेश को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां से आप अपने कोर्सेज को देख सकते हैं कि आपने क्या किया है। तो ये चीजें आपके पास अगर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, जो इसी महीने के अंत तक देखने को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके हैं वो सब तैयार रखिए। अगर इनमें से आपका कोई सर्टिफिकेट अभी पता चले, आपने डिग्री नहीं लिया है आपने जहां से भी किया हो, तो वो चीजें आप सब कुछ इकट्ठा कर लें, क्योंकि जल्द ही फॉर्म आने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। और जिनको कोर्स से जुड़ना है, अंत में बता दूं, कोर्स चाहिए इसका तो ये प्री कम्स मेंस का कोर्स चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। इसे आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो आप नंबर जो है इस पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रिलेटेड एलिजिबिलिटी कोई दिक्कत दे रही है, 91-29-69-70-80 आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने सब कुछ बता दिया किसके लिए क्या अहर्ता चाहिए। अगर आपके पास वो शैक्षिक अहर्ता है, आपका उम्र है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसके एग्जाम पैटर्न और पेपर पैटर्न के बारे में बता दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।